घबराने की कोई जरूरत नहीं, मेरे बेटे की एंट्री मतलब इन बदमाशों को डिसेंट्री। खुद को समझता क्या? क्या बंद करवाना चाहिए स्मगलिंग का धंधा? क्या अल्लू अर्जुन के फैंस ले रहे हैं गलत सीख? और क्या पुष्पा छोड़ देगा स्मगलिंग इस फिल्म के नेक्स्ट पार्ट में? जानेंगे इन तमाम सवालों के जवाब दोस्तों, और कहां बल्कि अपनी आज की इस वीडियो में। सो हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स टू टुडेज वीडियो। मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं हाँ अपना फेवरेट यूट्यूब चैनल बोलगैट स्टूडियोज। दोस्तों देखिए सुनिए मेरी बात, फिल्म के किसी मशहूर किरदार की वजह से इंस्पायर होना तो समझ आता है, पर अगर कोई किरदार किसी पर हावी हो रहा है और वो इंसान गलत हरकतें कर रहा है तब तो मामला गंभीर हो जाता है ना। अब आप सोचेंगे कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं पुष्पा यानी अल्लू अर्जुन की। पुष्पराज का स्टाइल, उसका डायलॉग कॉपी करने तक तो ठीक था, पर फिल्म में जिस तरह से पुष्पा स्मगलिंग की दुनिया पर राज करने के लिए उतावला हो रहा था उसे भी कुछ लोगों ने कॉपी कर लिया और अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार दी। जी हाँ, एक ऐसा ही हादसा हुआ है बेंगलुरु के एक लाल चंदन स्मगलिंग के केस में। उसका नाम है यासीन इनायतुल्ला। जिस तरह से फिल्म में लाल चंदन की स्मगलिंग करना आसान हो इसीलिए ऊपर मतलब दूध के टैंकर्स रखकर नीचे लाल चंदन को छुपाने की ट्रिक आजमाई गई थी, उसी तरह इस बंदे ने भी असल जिंदगी में दूध के बजाय फल और सब्जी के बॉक्सेस रखना शुरू कर दिया और उस बॉक्स पर चिपका दिए COVID-19 के स्टिकर्स ताकि लोगों को शक ही ना हो। ये बंदा कर्नाटक बॉर्डर तक आसानी से पहुंच जाता था, पर ये बॉर्डर क्रॉस करने के बाद आगे जाकर महाराष्ट्र पुलिस से पकड़ा गया। अब क्या कहें इस बंदे को, पुष्पा तो एक फिल्म थी पर एक कॉपी पेस्ट के चक्कर में उसे अरेस्ट कर लिया है अब पुलिस ने। इसका मतलब ये है कि फिल्म में दिखाए गए स्मगलिंग धंधे को काफी लोगों ने कॉपी किया है और खुद को नुकसान भी करवाया है। ये एक गलत सीख थी। वैसे यूं देखा जाए तो ये बंदा अल्लू अर्जुन का फैन भी था, लोग कर लो बात। अब भाई फैन लोग क्या कर रहे हो, कमेंट सेक्शन में कमेंट तो करा नहीं जाता, गलत काम करवा लो इनसे। दोस्तों तो हम तो यही उम्मीद कर सकते हैं कि पार्ट टू में स्मगलिंग की कहानी को खत्म किया जाएगा, मतलब कि पुष्पा को एक पॉइंट के बाद ये एहसास हो कि वो स्मगलिंग का धंधा चलाकर लोगों की जिंदगियां बर्बाद कर रहा है, गांव की युवा पीढ़ी को भी बर्बाद कर रहा है, खुद का और उन सभी लोगों का भविष्य अच्छा बनाने के लिए उसे ठीक समय पर ये धंधा छोड़कर कुछ अच्छा करना चाहिए जिससे लोगों का भला हो। अगर ऐसा दिखाया गया कि पुष्पा को स्मगलिंग की दुनिया से मिलने वाले पैसे से एक गिल्ट है, लोगों की बर्बादी देखकर बुरा लग रहा है और उसी वक्त अगर वो इस धंधे को मिटाने की कसम खा रहा है तो ये सब लोगों के लिए एक अच्छी सीख होगी और एक अच्छा सोशल मैसेज भी दिया जाएगा कि एक स्मगलर ने ही स्मगलिंग की दुनिया को मिटा डाला। क्योंकि अगर फिल्म में ये स्मगलिंग के धंधे को बढ़ाते वक्त कुछ अनोखे ट्रिक्स बताए गए तो पता नहीं और ऐसे कई केसेस हो सकते हैं जो खुद की जिंदगी ही बर्बाद कर ले भैया। अगर पुष्पा खुद ही स्मगलिंग की दुनिया को आग लगा दे और एक अच्छा रास्ता पकड़कर सबको सबक सिखा दे तो सब लोग उससे इंस्पायर हो सकते हैं, क्योंकि वही मेन किरदार है और अगर उससे कुछ बुरा सीख रहे हैं लोग तो कुछ अच्छा भी तो सीख सकते हैं। तो देखते हैं कि स्मगलिंग की दुनिया किस कदर पुष्पा 2 में खत्म की जाती है और डायरेक्टर सुकुमार किस कदर सोसाइटी को और हमारे यूथ को एक अच्छा मैसेज देते हैं। इसे लेकर आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। चलिए आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए, साथ सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल बॉलीवुड स्टूडियोज को।